हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल बाय निकिता आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ का जो चैप्टर नंबर है इलेवन फर्स्ट फ्लाइट बुक का दैट इज द प्रपोजल ये ना बहुत फनी सी स्टोरी है अगर मैं आपको एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दूँ तो इस स्टोरी में क्या है ये एक पर्सन है ठीक है ये अराउंड थर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड है इसका नाम लोमोव है ठीक है ये किस लिए आता है ये शादी करना चाहता है इससे मतलब ये ही इज फादर शी इज डॉर और ये दोनों ये लोग ना आपस में क्या है पड़ोसी है देआर नेबर्स ठीक है तो जो ये पर्सन है ना वो शादी करने आता है इस लड़की से मतलब चाहता है और ये जो लड़की है शी इज अराउंड ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड तो ये जो पर्सन है ये इसके पास आता है लड़की के फादर के पास और अपनी विश रखता है कि प्लीज मेरे को अपनी बेटी से शादी करने दीजिए और ना उस टाइम पे लोग क्या मानते थे जस्ट बिकॉज ये पर्सन भी वेल्दी है और ये लोग भी वेल्दी हैं तो ये मानते थे कि वेल्दी वेल्दी की शादी कराएंगे ना अगर हम अमीर लोग की शादी कराएंगे तो क्या होगा बाद में जैसे प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी शेयरिंग हो जाएगी या कोई और भी चीजों की ना शेयरिंग हो जाएगी जिससे क्या हो जाएगी वेल्थ इंक्रीज होगी तो ये पर्सन जो है इसके लड़की के फादर के पास आता है अपना ये प्रपोजल रखने के लिए सो लेटर स्टार्ट किए शुरू कहाँ से होता है उससे पहले मैं आपको कैरेक्टर लिस्ट बता देती हूँ एक बार ही जो कि अभी मैंने बताया इवान लोमोव जो कि मैन है ही इज अराउंड थर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड जो कि शादी करने के लिए आया है स्टेफेन चुबोकोव ये कौन है ये फादर है लड़की का ठीक है और नटालिया जो कि डॉटर है और ये आपस में तीनों क्या है पड़ोसी हैं दे आर नेबर्स यही चीज मैंने आपको बताई थी ठीक है अब ये शुरू कैसे होता है स्टार्टिंग में क्या है ये पर्सन जो कि ओल्ड पर्सन है चुबोकोव ये क्या है आराम से बैठा हुआ है एंजॉय कर रहा है अपना ड्राइंग रूम में और ये क्या देखता है जो स्टार्टिंग में ये देखता है कि ये जो पर्सन है ना लोमोव ये आसपास मतलब बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके देखो अब कितने अच्छे से ड्रेसअप होके ना जा रहा था ठीक है एकदम इनके घर की बेल बजती है ये गेट खोलता है तो ये देखता है कि कौन आया है लोमोवी आया है जिसे अभी ये थोड़ी देर पहले देख रहा था अब ये सोचता है कि लोमोव यहाँ क्यों आया है तो ये पर्सन क्या रिज्यूम करता है कि हो सकता है इसे कुछ काम वगैरह हो क्या ये मुझसे पैसे लेने तो नहीं आया ये मुझसे मनी मांगने तो नहीं आया और अगर आया होगा ना तो मैं इसे बिल्कुल मना कर दूंगा कि भाई मेरे पास ना पैसे नहीं है मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता ठीक है अब बट ये पर्सन जब आता है ये से पूछता है और भाई सब ठीक है नहीं है जैसे घर पे आता है कोई तो पूछते है ना हाँ भाई सब ठीक है तो ऐसे ही ये ओल्ड ओल्ड मैन जो है वो किससे पूछता है लोमोव से पूछता है हाँ भाई सब ठीक है तो लोमोफ कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है बातें चल रही होती है नेचुरली फिर उसके बाद ये पर्सन दैट इज लो अपनी विश रखता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ तुम्हारी बेटी नटालिया से शादी करना चाहता हूँ मैं 35 इयर्स का हो चुका हूँ ठीक है और तुम्हारी लड़की 25 इयर्स ओल्ड की है तो मैं क्या करना चाहता हूँ तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर सकता हूं और ये पर्सन ये पर्सन तो खुश भैया क्यों भाई मेरी बेटी की शादी होगी किससे शादी होगी एक अमीर रिच बंदे से शादी होगी प्रॉपर्टी भी शेयर हो जाएगी मेरी लड़की को प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरी फैमिली तो बिल्कुल खुश हो जाएगी मेरी लड़की की किस्मत सुधर जाएगी ये बंदा खुश तो ये कहता है ठीक है भाई तू बैठ मैं क्या करता हूँ मैं नटालिया को बुलाकर लेके आता हूँ ठीक है चले जाते हैं ये ये पर्सन जाता है ये पर्सन जाने के बाद क्या करता है नटालिया को बुलाता है और कहता है भाई तू नीचे आ तेरे से कोई मिलने आया है वो कहती है कि चलो ठीक है आते हैं बट अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम है जो ये लड़का है ना इसे एक बीमारी है एक हार्ट डिसीज है जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है ना तो एकदम बेहोश हो जाता है इसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है ठीक है तो नॉर्मल चीज चल रही है अभी नटालिया आती है नटालिया आने के बाद क्या देखती है कि भाई अः बात करते हैं दोनों ठीक है नटालिया आती है ये जो पर्सन है उसे बात करने देता है नटालिया आती है यहाँ पे नटालिया जब आई फिर उसके बाद क्या हुआ कि नटालिया आई ये लोग आपस में बात करने लगे अब नटालिया क्या करती है कन्वर्जेशन स्टार्ट करने के लिए जस्ट जनरली बोल देती है कि और बताओ क्या है तो उसपे लोमोव क्या बोलता है कि सब कुछ बढ़िया है बट जो मतलब जनरली ये डिस्कस रहे होते हैं हमारे पड़ोस में जो लैंड है ना जिसका नाम क्या है ऑक्सन मिडोज ऑक्सन मिडोज जो है वो क्या है वो हमारा है और वो बहुत ही अच्छा एरिया है वो कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं ये एरिया तुम्हारा थोड़ी है तो हमारा एरिया है वो कहता है, ,Yeah, है।, है नहीं नहीं ये तुम्हारा नहीं हमारा एरिया है वो कहती है नहीं इन दोनों की बहस चालू हो जाती है और ये इतना ज्यादा लड़ते हैं दे स्टार्ट अब्यूजिंग ईच अदर वो एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देते हैं उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं और ये हीटेड आर्ग्यूमेंट में हीटेड आर्ग्यूमेंट मतलब इस लड़ाई में इसके फादर नटालिया के फादर इस हीटेड आर्ग्यूमेंट को ज्वाइन करते हैं अब ये भी कहते हैं कि नहीं भाई ये प्रॉपर्टी तो हमारी है तुम्हारी कैसे हो सकती है तूने मेरी लड़की को उल्टा कैसे बोल दिया ये कैसे कर दिया वो कैसे कर दिया बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाती है फिर वो बंदा ये जो ओल्ड मैन है वो क्या कहता है इससे बोलता है है कि तू से हमें कुछ बात नहीं करनी तुझसे ये बंदा चला जाता लो मूव भाई इतनी बेस्ती हो गई अब कौन रहेगा वो चला जाता है वो कहता है शादीवादी बाद में देखी जाएगी भाई मैं तो जा रहा हूँ ठीक है अब इसके बाद क्या होता है ये सब चला गया है यहाँ से ठीक है तो इसके फादर ना बोलते हैं कि भाई ये तो तुमसे शादी की बात करने आया था और कहा लड़ाई हो गई और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई अब नटालिया नटालियाप्राइज नटालिया को पता ही नहीं वो कहती है क्या शादी की बात करने आया था मुझसे अच्छा बट ठीक है पापा अब जाओ जाके उसे वापस लेके आओ वो कहता है अच्छा चल ठीक है मैं वापस लेके आता हूँ फिर ये बंदा जाता है और किसे वापस लेके आता है लोमोव से रिक्वेस्ट करता है कि भाई गलती हो गई तुम दोनों आपस में बात कर लो कोई बात नहीं ये सब तो चलता रहता है तुम्हें इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है चल वापस चल मेरी बेटी के पास और उससे जाके बात कर ले ठीक है वो कहता है कि चल ठीक है कोई बात नहीं चलता हूँ फिर ये दोबारा बंदा कहाँ जाता है नटालिया के पास जाता है नटालिया के पास गया वहां पे फिर ये आपस में बात करने लगते हैं और आपस में बात करने के बाद क्या होता है कि ये लोग मतलब ये जो सपोज अगर हम एज्यूम करेंगे जो दोनों अः फादर और डॉटर हैं ये आपस में क्या है बात करने लगते हैं कि भाई ये लड़ाई चल रही है क्यों चल रही है जी ये दोनों फिर लड़ते हैं क्यों ये बंदा कह अब ये कह रही है कि ठीक है तुम्हारे पास हाँ कुछ और बात करने के लिए है वो कहता नहीं है तो फिर ये डिस्क्राइब करती है डॉग्स के बारे में वो कहती है कि जो मेरा डॉग है ना मेरे डॉग का नाम क्या है स्क्वीजर ठीक है तो जो मेरा डॉग है स्क्वीजर वो तुम्हारे डॉग किससे गेस से बहुत अच्छा है अब ये स्क्वीजर इसके डॉग का नाम है और ये गैस इसके डॉग का नाम है वो कहती है मेरा जो डॉग स्क्वीजर है ना वो तुम्हारे गैस से बहुत अच्छा है वो कहता है नहीं ऐसे कैसे हो सकता है मेरा डॉग तुमसे ज़्यादा है वो कहती है नहीं मेरा बड़ी है मेरा बड़ी है मेरा बड़ी है, ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा लड़ने लगते हैं फिर उसके बाद नटालिया के फादर ये सुनते हैं भाई ये तो बहुत ज्यादा लड़ाई फिर कर रहे हैं चलो जी ऊपर जाते हैं फिर नटालिया और उसके फादर किस पे चीखने लगते हैं इस बंदे पे चीखने लगते हैं और इस बंदे को वही जो मैंने अभी बताया प्रॉब्लम है हार्ट प्रॉब्लम जिसकी वजह से क्या हो जाता है फेंट हो जाता है बेहोश हो जाता है या इसे हम अच्छे वर्ड में यूज करें तो अनकॉन्शियस हो जाता है ठीक है अनकॉन्शियस होना मतलब बेहोश होके गिर जाना अब नटाली और उसके फादर सोचते हैं पता नहीं कि भाई क्या हो गया बट वो फिर भी उसे गालियां देते रहते हैं तेरा डॉग बेकार है हमारा डॉग अच्छा है और पता नहीं क्या क्या उसे उल्टा बोलते रहते हैं फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद पानी वगैरह छिड़कते हैं इसके ऊपर दोनों डॉटर एंड फादर तो इसको होश आता है ये बंदा जब उठता है ना तो उस टाइम पे जो ओल्ड मैन है ठीक है जो लड़की का फादर है ना, नटालिया का जो फादर है वो कहता है कि भाई इनकी लड़ाई तो चलती रहेगी मेरे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है मुझे क्या कराना है इन दोनों का रिश्ता पक्का कराना है वो नटालिया का हाथ लेता है वो इस बंदे का हाथ लेता है लोमोफ का और दोनों का हाथ पकड़ के बोल देता है कॉन्ग्रेचुलेशन जी मेरी तरफ से आपका रिश्ता पक्का है बट उसके बाद भी इन दोनों की लड़ाई आपस में चलती ही रहती है वो चीज खत्म नहीं होती सो बेसिकली दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर और अगर आपको समरी अच्छी लगी और पसंद भी आई है प्लीज सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कोई भी अगर आपको डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं थैंक यू